दमोह जिले की दमोह विधानसभा पर उपचुनाव होने के कारण संपूर्ण जिले के कलेक्टर श्री तरुण राठी द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू की गई है, जिसमें शासकीय भवन संपत्ति पर कोई व्यक्ति विशेष का कब्जा नहीं रहा है एवं किसी राजनीतिक पार्टी के बिना अनुमति से रैली पोस्टर नहीं लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी संपूर्ण जिले में लागू की गई आदर्श आचार संहिता में तहसील हटा के शासकीय कार्यालय पर लगे लोकार्पण एवं शिलान्यास वाले बोर्ड को ढक दिया जाता है, लेकिन शासकीय अधिकार को इसकी कुछ खबर भी नहीं है। संपूर्ण जिले में लागू की गई आदर्श आचार संहिता में तहसील हटा के शासकीय कार्यालयों पर लगे लोकार्पण एवं शिलान्यास वाले बोर्ड को ढक दिया जाता है, लेकिन शासकीय अधिकारियों को इसकी कुछ खबर ही नहीं है। खुद को इतना न समझ बताए हुए अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और जनपद कार्यालय में BRC भवन में सम्मिलित अतिथियों का लोकार्पण बोर्ड को नहीं ढका गया, जहां पर सिविल अस्पताल हटा में शिलान्यास बोर्ड पर तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं तत्कालीन विधायक का नाम देखा जा सकता है। वहीं नगर पालिका में चुनाव तारीख घोषित होते ही नगर के समस्त होर्डिंग से बोर्ड एवं फ्लैक्स को हटाए गए थे, लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों ने खुद के ही कार्यालय में लगे शुभारंभ बोर्ड नहीं हटाए और वहीं पर कॉलेज में लगे लोकार्पण बोर्ड को ढक नहीं दिया गया, जहां पर अब और एक जहां शासकीय अधिकारी आम जनता को आचार संहिता का पाठ पढ़ाते हुए दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी ओर वह स्वयं को कार्यालय में इस छोटी छोटी लापरवाही को मजाक बना दिया गया है और आदर्श आचार संहिता केवल आम व्यक्तियों के लिए ही लागू है। KRN न्यूज के लिए दमोह से सचिन गौर की रिपोर्ट।